सभी फाइटर जेट्स में इजेक्शन सिस्टम मौजूद होता है जिसे पायलट्स जरूरत पड़ने पर जेट से अलग होकर अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले एयरक्राफ्ट और कैनोपी को एक्सप्लोसिव क्रू की मदद से अलग किया जाता है ताकि पायलट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एयरक्राफ्ट से बाहर आ सके। कैनोपी के अलग होने के बाद पायलट की सीट के नीचे लगे एक्सप्लोसिव्स एक्टिव हो जाते हैं और पायलट एयरक्राफ्ट सीट के साथ बाहर आ जाता है। एयरक्राफ्ट सीट से अलग होने पर पायलट अपने मेन पैराशूट की मदद से ग्राउंड पर लैंड करते हैं। इजेक्शन करने से लेकर एयरक्राफ्ट सीट से अलग होने तक के इस पूरे प्रोसेस में 4 सेकंड का टाइम लगता है। इजेक्शन के टाइम पर पायलट 12 टू 14 जी तक की फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, इसलिए ये इजेक्शन से पहले पायलट का प्रॉपर पोस्चर में होना काफी जरूरी है।